स्टूडेंट्स से 10th क्लास के एमसीक्यू हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन पूछा है द वैल्यू ऑफ साइन 30 माइनस कॉस 60 डिग्री इज, यानी कि साइन 30 और कॉस 60 का मान क्या होगा। तो आपने क्या करना है, साइन 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, वो भी 1/2 होती है। तो ये 2 आ गया, 1 माइनस 1 0/2, दैट इज 0। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी आपका राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा एंड वाई इक्वल टू ए कॉस थीटा देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज, यानी कि यदि एक्स बराबर है ए साइन थीटा तथा वाई बराबर ए कॉस थीटा तो एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ये देखिए, आपको एक्स दिया हुआ है ए साइन थीटा, वाई दिया हुआ है ए कॉस थीटा, हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू पुट कीजिए ए साइन थीटा की होल पावर 2, क्योंकि यहाँ पावर 2 है, प्लस वाई की वैल्यू पुट कीजिए, यह है ए कॉस थीटा की होल पावर 2। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में कुछ कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। तो आपका जो आंसर आ गया ए स्क्वायर, तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो डी है। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है कि आपको दिया हुआ है इफ साइन 2 इक्वल टू 10 स्क्वायर 45 डिग्री एंड वेयर ए इज एक्यूट एंगल देन द वैल्यू ऑफ ए इज, यदि साइन 2a बराबर 10 स्क्वायर 45 है, जहां a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करो। यहां हमें क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 2a इक्वल टू 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो हम लिखेंगे साइन 2a, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, साइन 2a इक्वल टू 1। अब ये देखिए साइन की वैल्यू 1 कब होती है, तो साइन 2a ये साइन की वैल्यू होती है साइन 90 डिग्री में, साइन से साइन कैंसिल, 2a इक्वल टू 90 और a इक्वल टू 90/2, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 45 डिग्री। तो 45 डिग्री आपका b ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द ट्वाइस द सर्कमफ्रेंस, यानी कि उसका एरिया जो सर्कल का है वो डबल है सर्कमफ्रेंस के, देन डायमीटर ऑफ सर्कल, इसका व्यास क्या होगा। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से परिधि के दुगने के बराबर हो तो वृत्त का व्यास क्या करो। हमें ये दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू ट्वाइस सर्कमफ्रेंस। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर और सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, r से एक r कैंसिल कर देंगे, तो r इक्वल टू आपका 2 × 2, r इक्वल टू आ गया 4। हमें तो डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर होता है 2r, यानी कि 2 × 2, यानी कि 4 आपका आ जाएगा आंसर। तो इसमें आप ऑप्शंस में देखिए 4 आपका ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है द सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर सबटेंडेड एन एंगल ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो ये सेक्टर है, इसमें आर्क यानी कि एबी की लंबाई आपको दे रखी है कितनी, 22 सेंटीमीटर। तो आपको थीटा निकालना है, तो हमें क्या करना है, तो ये होता है क्या कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि लेंथ ऑफ एन आर्क, ये आपको दे रखा है आप, ये 22 लेंथ ऑफ आर्क होती है थीटा अपॉन 360 पाई आर 2πr 22। अब देखिए यहाँ पर थीटा बटे 360 2/1, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर हमें दिया है इसका 21 इक्वल टू 22/1, कैंसिल करेंगे 7 × 3 = 21, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 180,
टू से कैंसिल करेंगे 90, अब तो किसी से कैंसिल ही हो सकता ये, तो ये आ जाएगा 3 थीटा अपॉन 90 इंटू ये 22 नहीं कैंसिल था, अच्छा ये 11 हो गया था, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 थीटा इंटू 90, 3 नहीं होगा 33 होगा यहाँ पर, क्योंकि 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, और इक्वल टू ये आ जाएगा 22/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 33 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 22/थीटा इक्वल टू 90 माइनस इंटू 22/33, 11 से इसको कैंसिल करेंगे, 11 2 जा 20, 11 3 जा, और 3 से इसको कैंसिल करेंगे 30, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया रखा है, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल px 2x² माइनस k रूट 2x प्लस 1 इज रूट 2, देन द वैल्यू ऑफ k इज, यदि बहुपद px 2x की पावर 2 माइनस k रूट 2x प्लस 1 के शून्यांकों का योग रूट 2 हो तो k का मान ज्ञात करो। तो इक्वेशंस देखिए, 2x की पावर 2 माइनस k रूट 2x प्लस में 1, तो इसमें a आपका 2 है, b आपका माइनस के रूट 2 है, और c आपके पास है 1, हमें दिया है शून्यांकों का योगफल यानी कि सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज माइनस 2, ये गिवन है, सम ऑफ द जीरोज होता है माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू रूट 2/1, माइनस बी हमारे पास है माइनस के रूट 2/a, ए हमारे पास 2 है, रूट 2/1, अगर इसको सॉल्व करते हैं माइनस से माइनस कैंसिल, के रूट 2/2 इक्वल टू रूट 2/1, रूट से रूट कैंसिल, के अपॉन 2 इक्वल टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे के इक्वल टू 2, तो के इक्वल टू 2 आपका आंसर आ गया, आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ HCF 26169 इक्वल टू 13 देन LCM 26169 इज, यदि महत्तम समावर्तक 26 और 169 का 13 है तो इसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो देखिए, इसमें हमारा एक सिंपल सा फार्मूला होता है, LCM का फार्मूला होता है हमारा फर्स्ट नंबर जो कि 26 है, सेकंड नंबर 169 है, और इसका महत्तम समावर्तक यानी कि HCF आ जाएगा, HCF इसका 13 दे रखा है, 13 2 जा 26, 2 से इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 into 169, 2 in 9 जा 18, 1 2 6 जा 12, 1 13 की 3, 1 2 1 जा 2 1 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 338, जो कि डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है ये, वट इज़ द डिस्टेंस ऑफ पी माइनस 6 8 फ्रॉम द ओरिजन, यानी कि बिंदु पी माइनस 6 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या है। तो दूरी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, हमारा रूट लगा देंगे, फर्स्ट नंबर की पावर 2 आ जाएगी और प्लस में सेकेंड नंबर की पावर 2, तो हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस में 64, और इसका आ जाएगा आपका 100, और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो 10 यूनिट यानी कि इकाई, आपका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, इफ टेन ए इक्वल टू 1 देन वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए इज, यदि टेन ए बराबर 1 हो तो साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करो। हमें दे रखा है टेन ए दे रखा है 1, तो टेन ए, टेन की वैल्यू 1 होती है टेन 45 डिग्री पर, तो 10 से 10 कैंसिल, ए इक्वल टू आपका 45 आ गया। अब हमारे में हमें तो वैल्यू निकालनी है साइन ए और इनटू कॉस ए, तो साइन 45 इनटू कॉस 45, ए की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, इसका होता है 1/√2 और इसका भी 1/√2, तो ये 1 1 जा 1, रूट टू की रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, तो 1/2 इसका आंसर है, और आपका राइट आंसर ए है। तो क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, इफ 10x इक्वल टू साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री,
देन वैल्यू ऑफ एक्स, यदि टेन एक्स बराबर साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री हो तो एक्स का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है टेन एक्स इक्वल टू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। टेन एक्स इक्वल टू साइन 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, प्लस में इसका मान होता है साइन 30 का 1/2। तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 1√2 की रूट टू से मल्टीप्लाएंगे 2, प्लस में 1/2, तो हाफ और हाफ आपका आ जाएगा 2 और 1+1, तो ये आ जाएगा आपका 2/2, दैट इज़ 1, यानी कि टेन एक्स इक्वल टू 1। और आप जानते हो टेन एक्स का मान 1 कब होता है, टेन 45 डिग्री पर, तो 10 से 10 कैंसिल, x इक्वल टू 45 डिग्री, तो आपका आंसर आ जाएगा 45, दैट इज़ डी आंसर इज़ द करेक्ट।